हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इससे पहले एक सीरीज चल रहा था आईपीवी का, मतलब पीएम किसान आईपीवी का जो अकाउंट खुलता है पीएम किसान के लिए, जैसे जो किसान लोग रहते हैं गांव में खेती बाड़ी करते हैं उन लोग के लिए गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पैसा देते हैं, ठीक है, सपोर्ट देते हैं, पार्शियली सपोर्ट समझ सकते हैं। 2000 रुपया क्वार्टरली 2000 रुपया मिलता है, एक साल में 6000 रुपया मिलता है। तो इससे 6000 रुपया से तो खेती नहीं होता है, सबको पता है, बट कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट से, तो किसान के चेहरे पे एक अलग ही खुशी मिलता है, जैसे इनके चेहरे पे अभी खुशी देख सकते हैं। तो इनके बारे में अभी कुछ बताएंगे। तो इनका 3-4 महीना पहले अकाउंट खोले थे, इससे पहले जो इंस्टॉलमेंट आया था उसमें इनका पैसा नहीं आया था, तो ये परेशान हो गए थे, मेरे पास आए थे, बोले मुझे अकाउंट खोलना है आईपीपीवी का। ये देखिए आईपीपीवी का अकाउंट है, ये मेरे से खोल के ले आए। आप और भी वीडियो देखे हैं जिसमें बता रहे थे कि कैसे अकाउंट खोलना है, पब्लिक का पैसा आता है तो कितना खुशी उनको मिलता है। तो अभी इनका पैसा चेक किया है तो इनको 10000 रुपया आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनका 5 इंस्टॉलमेंट नहीं आया था, तो बहुत परेशान हो गए थे, हेडेक ले लिए थे कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो किन्हीं से पता चला, कैसे पता चला आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है? नहीं, इससे पहले आपको कैसे पता चला यहाँ पे अकाउंट खुलता है? ओ, मेरा गांव को एक लड़का वीडियो ऑफिस में काम करता है, वो बोला हमको। इनके गांव का एक लड़का है जो वीडियो ऑफिस में काम करते हैं, तो उनसे पता चला। वीडियो ऑफिस के बगल में ही एग्रीकल्चर ऑफिस है ना, तो उनको पूरा मालूम था कि कैसे प्रोसेस होता है, तो उनको यहाँ पे इनको यहाँ पे भेजे, मेरे पास भेजे। तो हम 3 महीना पहले ही अकाउंट खोले थे, हम थोड़ा नाम भूल गए थे बट चेहरा से पहचान लिए कि हाँ ये मेरे पास आए थे। तो अभी इतना दिन के 4 महीना के बाद फिर आए, कितना दिन पहले मैसेज आया? 1 महीना। तो इनका 15 तारीख को ही पैसा आ गया था, इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था पैसा उठाने का, तो अभी आए हैं, इनको पैसा उठा के देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इनके अकाउंट में 10000 रुपया है। तो अभी कैसा फीलिंग हो रहा है जब आपको पैसा आप देख, अभी तो आपका अपडेट कर दिया पैसा? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत तो अच्छा लग रहा है, इतना दिन से पैसा नहीं मिल रहा था, समझ सकते, 1.5 साल से आपको पैसा नहीं मिल रहा था। हाँ जी। एक साल में आपको 6000 रुपया मिलता है, 10000 मिला, यानी 1.5 साल लगभग, 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो यहाँ आप देखिए, अभी इनका अकाउंट में, इनका नाम है स्वप्नेश्वर बारिक, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10000 रुपीज है इनके अकाउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि इनका पैसा आया है, ये अदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी इनका पैसा उठा के देंगे, अभी 9500 इनका रुपया उठाएंगे, क्योंकि कभी भी इसको जीरो बैलेंस करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम डोरमेट भी हो जाता है, तो इन जीरो बैलेंस करने से डोरमेट होता है। आप कुछ न कुछ रुपया इसमें रखे रहेंगे ताकि बैंक को लगे कि हाँ This is to confirm you are about कैंडिडेट को कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है, ठीक है, अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए 9500 उठाए हैं, कन्फर्म करेंगे एंड इनका OTP से ही काम कर लेते हैं, ठीक है। कस्टमर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग फोटो ID, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, नरेगा जॉब कार्ड सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफिसियल, इनका आधार कार्ड से ही वेरीफाई किया हुआ था अकाउंट। तो यहाँ कंफर्म करेंगे, देन एक OTP आएगा और यहाँ का मौसम देखिए बहुत ही जोर का बारिश हो रहा है वेस्ट बंगाल में, दिसंबर का महीना है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रहा है। इनके मोबाइल में OTP आ गया है, तो ये OTP यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, कंफर्म कर दिए। Your transaction for 9,500 rupees इनका पैसा विड्रॉल हो गया, ठीक है, successfully. बता देते 9500 रुपया इनका उठाया गया है, 520 रुपया इनके अकाउंट में, ठीक है। तो इनका अभी 550 रुपया लगभग 520 रुपया इनके अकाउंट में है और 9500 उठा दिए, क्योंकि जीरो बैलेंस करके नहीं रखना चाहिए, बार बार 1-2 महीना पे देखते हैं डोरमेट कर देता है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब ये इनका पेंशन अकाउंट हो चुका है लगभग, एक तरह सोचिए पेंशन आ रहा है इनका। तो इस अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, आप लोग का अगर अकाउंट नहीं खुला है और पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है तो किसी भी लोकल पोस्ट ऑफिस में जा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहाँ पे ये काम होता है आप एक बार पता कर सकते हैं लोकल पोस्ट ऑफिस में होता है कि नहीं, ब्रांच ऑफिस में मेनली हो जाएगा, हेड ऑफिस में भी होता है,
तो इनको मालूम नहीं था, 1.5 साल लगभग हो गया था, पैसा नहीं मिला, तो इनको एक कोई रिलेटिव से पता चला कि यहाँ पे अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो ये हमारे बीओ के आसपास का ही है, तो अभी इनको पैसा देंगे, इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दिन के बाद पैसा मिला तो अच्छी एक गुड न्यूज़ है, किसी जो बाइक खरीदता है, कार खरीदता है, उनके जैसा ही खुशी इनके पास अभी आया है। पैसा देंगे, कैसा लगा अभी 9,500? अच्छा लगा ना? अच्छा ही लगा। और आप आसपास में सबको बोलेंगे, जैसे आप दूसरे से पता चला आप भी जाके उधर बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुल रहा है, जाके खोलो, 200 रुपया लगता है, मोबाइल लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, ठीक है, बोल देंगे। बहुत कैंडिडेट ऐसा है जिनको मालूम नहीं है और पता भी नहीं है उनको पीएम किसान का पैसा आता है कि नहीं आता है, एक्चुअल में उनको आता है लेकिन मालूम भी नहीं है, जब आता था तो बंद भी हो गया, तब उनको मालूम नहीं है कि कैसे प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आइए, अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी है इसके रिगार्डिंग, आपको आपके नाम से ज़मीन है, डाउट है कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग मेरे पास आएंगे तो हम अच्छे से गाइड कर देंगे आपको, ठीक है, पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो इनके नाम से था। आपका नाम? स्वप्नेश्वर बारिक। स्वप्नेश्वर बारिक। आपका घर कहाँ पे है? बासदेवपुरी है, ठीक है, तो हमारे लोकल एरिया के ही हैं, बीओ के आसपास के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए, एंड आपका पीएम किसान का अकाउंट अभी तक नहीं खुला है तो मेरे ऑफिस में आके खोल सकते हैं, मेरे ऑफिस का इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के खोल सकते हैं, ठीक है, मेनली ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। तो इनको फाइनली पैसा दे दिए है और इनका देखिए इंटरनल हैप्पीनेस कैसा आया है, देखिए 9,500 रुपये अकाउंट करके दे दिए है, और कैसा लग रहा है बोलिए, पैसा आपके पास है, कार्ड आपके पास है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पोस्ट ऑफिस को क्या बोलेंगे आप? अच्छा सर्विस मिल रहा है ना? पहले मिलता था? पहले मिलता था? पहले तो फर्स्ट प्रीमियम तो हमको मिला नहीं, इससे पहले पोस्ट ऑफिस में कैसा सर्विस था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था ना? अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। कितना दिन से सर्विस आपको चेंजेस लगा है? बहुत दिन बाद। बहुत दिन के बाद? बहुत दिन के बाद। आपका लगभग कितना एज होता होगा? मेरा तो 52। 52 है। ऐसा जो अभी फीलिंग आ रहा है, इससे पहले पोस्ट ऑफिस आके हुआ था? ऐसा तो मेरा कोई भी कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए नहीं आया। जब कभी मान लेते, कभी एक दो बार भी कभी एक्सपीरियंस हुआ आए हैं तो कैसा लग रहा था? ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था। अभी देखते हैं कितना आदमी आता है, बहुत आदमी अभी पोस्ट ऑफिस आता है, सारे काम ये लोग भी देखिए कुछ न कुछ सर्विस लेके ही जाते हैं, आधार कार्ड का काम चालू हो गया, पीएम किसान का चालू हो गया, तो सारे काम चालू होने की वजह से लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, सर्विस भी अच्छा मिल रहा है, कभी कभी सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं कि गुस्साते नहीं है, ये अच्छी बात है, गुस्साना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वर मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है सर्वर, तो ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा। तो फाइनली इनको पैसा दे दिया, अभी इनको काम है, जाएंगे। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा इनको पैसा देने में, ठीक है, इनका पैसा उठा दिया, अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा होगा, इनको पैसा फाइनली मिला, चलिए।